झज्जर जिले के ग्राम ग्वालिशन में माध्यमिक स्कूल की हालात खस्ता है। स्कूल की इमारत झज्जर है। स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। बीते दिनों स्कूल के एक कमरे की छत भी गिर चुकी है। स्कूल में बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की इमारत को करीब 2 साल पहले कंडम घोषित किया जा चुका है। 2 साल के बाद भी छात्रों के लिए नई इमारत की व्यवस्था नहीं की गई, ना ही छात्रों को धूप और बरसात से बचाने का कोई इंतजाम किया गया। सर, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है और यहाँ पे बैठने में भी असुविधा हो रही है। सब मतलब धूप में बैठते हैं और बिल्डिंग में नहीं है सारा, जैसे कि रूम भी नहीं है कि हम बैठने के लिए। और जैसे कि बारिश के टाइम में भी बहुत दिक्कत सी होती है, बैठने के लिए जगह नहीं है और सारा बरामदा भी ऐसे टप टप करता है कि बारिश में कपड़े वगैरह भीग जाते हैं और मतलब डर भी रहता है कि कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। समस्या हमारे बच्चे सब पूरा दिन धूप में बैठे रहे हैं, टीचर ये धूप ही रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम कहना चाहूँगी स्कूल बढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए, हमारे बच्चे वैसे ही स्कूल मान ली जावे हैं, कोई इनकी सुनाई नहीं करता। शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उनसे ये बोलो जब हमारे गरीब के बालक हैं यार, कोई पैसा वाला का बच्चा नहीं है, जब हमारे गरीब बालक काम भी गरीब, हमारे बालक भी गरीब, फिर कित जाएंगे हम। काल से ऊपर हो गया, बिल्डिंग डैमेज हुए और नहीं स्कूल में मतलब कोई सुविधा है हमारे में, क्योंकि हमें देखे थे 1 साल हो गया हमारी बिल्डिंग को उसका कैंडम घोषित हुई है। 1 साल के दौरान हमारा खाली बजट पास हुआ है। अगर 1 साल के दौरान हमारा बजट पास हुआ तो अगर बिल्डिंग कंप्लीट तैयार होने में हमारा 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल में हमारा बच्चे का भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी जो बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक बोर्ड में क्लासेज में या पंखे वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी बच्चों को, कोई बच्चे नहीं पढ़ सकता। स्कूल की छत गिर जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी। शायद प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। R9 के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।